हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं जॉन डूइस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लॉन्ग एसे टाइप के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है. कम्पेटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से करते हैं. सबसे पहले हम इसमें समझेंगे जॉन डूई का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इनकी फिलॉसफी पर चलते हैं. तो जॉन डूई जो थे वो अमेरिकन फिलोसफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे. इनका जन्म जो था वो वर्मोंट इन इंग्लैंड हुआ था 1859 के अंदर. इनकी जो ये फिलॉसफी है वो बेस्ड है प्रैग्मेटिज्म के ऊपर ही. प्रैग्मेटिज्म बात करता है हैंड्स ऑन एक्टिविटी की, कि बच्चों को चीज़ों को करके सिखाया जाए, वो एक्सपेरिमेंट करके सीखे, रियल लाइफ चीज़ों से इंटरेक्ट करें. तो इनकी फिलॉसफी भी यही कहती है. इनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी भी कहते हैं. आप याद रखेंगे कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी. फिर है ये जो इनका स्कूल है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था शिकागो के अंदर. एक लेबोरेटरी स्कूल था जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते थे. एक यूनिवर्सिटी में, शिकागो की यूनिवर्सिटी में इन्होंने इस्टेब्लिश किया. फिर नेक्स्ट है ही बिलीव दैट द ह्यूमन बींग्स लर्न थ्रू हैंड ऑन अप्रोच. ठीक है, वही प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट मस्ट इंट्रैक्ट विद देयर इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अडेप्ट एंड लर्न. क्योंकि इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है चीज़ों को जब हम इन्वायरमेंट से इंट्रैक्ट करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं. नाउ है हमारे पास डू यू बिलीव ऑन एजुकेशन. क्या उनके बिलीव थे एजुकेशन को लेकर? वो कहते हैं ये बहुत उनका इंपॉर्टेंट कॉट कह सकते हैं हम. इसको आप याद रखेंगे, ऐसे कैसे उठकर किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा है. तो एजुकेशन जो वो कहते हैं कि इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ. ठीक है, ये आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती. एजुकेशन खुद ही लाइफ है. ठीक है, लाइफ इट्सेल्फ. और एजुकेशन देयर फॉर इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग, कि आपको जीना कैसे है प्रेजेंट में वो सिखाती है, ना कि आपकी फ्यूचर में आपको कैसे जीना है वो सिखाती है. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. फिर है हमारे पास डू वी बिलीव करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो काम का नहीं है. ठीक है, कोई इफेक्टिव नहीं है. इसलिए रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, उनको जो है स्टूडेंट को उनसे उनके साथ इन्वॉल्व करवाना चाहिए. ही एम्फेसाइज्ड ऑन इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन. और इसके अलावा एजुकेशन फिलॉसफी जो है उन्होंने कहा फोर कोर प्रिंसिपल पर बेस करनी चाहिए. आप जो भी करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हो या कोई भी बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल बना रहे हो, वो यूटिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करे, इंटरेस्ट हो उसमें बच्चे का, एक्सपीरियंस हो बच्चे को उसमें कुछ, और इंटीग्रेशन हो. मतलब ऐसे नहीं एक ही सब्जेक्ट, आप कई सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन करके भी उन चीज़ों को तैयार करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. नाउ वी हैव एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डूई. वो कहते हैं कि बच्चे की पावर और एबिलिटीज़ जो है उसको डेवलप किया जाए एजुकेशन के थ्रू, सोशल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, उसके ओल्ड एक्सपीरियंसेस को न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ रिप्लेस किया जाए, जिसको उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस भी कहा, और डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है, आइडियल्स जो हैं वो बच्चे के अंदर बढ़ाए जाए. और लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करना, लाइफ वो खुद है एजुकेशन. और इसमें जो है बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो भी हम एजुकेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ वी हैव करिकुलम अकॉर्डिंग टू जॉन डूई, क्या क्या होना चाहिए. तो जैसे हमने पहले भी समझा कि फोर प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए. यूटिलिटी प्रिंसिपल पे, मतलब मीनिंगफुल जो है कंटेंट होना चाहिए, वैल्यूएबल, जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यूज़फुल हो वो कंटेंट जो आप डाल रहे हो करिकुलम में, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, रेलिवेंट हो, उसकी लाइफ से रिलेटेड हो, एक्सपीरियंस कराए. ठीक है, इनरिच विद द एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ठीक है, क्योंकि बच्चे को वो इंगेज करे लर्निंग इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशली और फिजिकली, ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और हर चीज़ का वो एक्सपीरियंस करे. इंटीग्रेशन हमने समझा ही था कि सारे सब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज़ या सब्जेक्ट्स का आपस में इंटीग्रेशन या उसकी लाइफ के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए. फिर है जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सीबल होना चाहिए, ताकि आप उसको कभी भी चेंज कर सको बच्चे के इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग. नाउ वी हैव मैथड ऑफ टीचिंग्स. तो ये मैथड ऑफ टीचिंग्स जो है वो सजेस्ट करे जॉन डूई ने कि लर्निंग बाय डूइंग मैथड होना चाहिए. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैथड यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैथड यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में उन्होंने बोला तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड यूज़ कर सकते हैं. टीच अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टीचर अपने मैथड्स को जो है चेंज कर सकती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करा सकती है, एक्टिविटी मैथड्स के द्वारा भी एक्सपीरियंस करा सकती है. नाउ वी हैव रोल ऑफ टीचर. टीचर जो है उसका रोल होना चाहिए एज अ फैसिलिटेटर. और टीचर मतलब फैसिलिटेटर हमें पता ही है कि मतलब खुद इंट्रोडक्शन देके फिर बच्चे पर छोड़ना, वो कर खुद करके देखता है. जैसे कोई प्रॉब्लम दे दी, खुद प्रॉब्लम जो है अपने आप से सॉल्व करते, इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ती है. फिर टीचर जो है अगर उनसे नहीं होता फिर उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करती है, तो एज अ फैसिलिटेटर वर्क करती है. फिर है कि बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंस को ज़रूर हमें काउंट करना चाहिए, उसको देख कर टीचर को एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, ताकि वो एक्टिविटीज़ जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो. फिर टीचर शुड नोटिस एंड ऑब्जर्व द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एज वेल. और टीचर जो है शुड हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स.
नाउ वी हैव डिसिप्लिन, तो इन्होंने एम्फेसाइज किया है सोशल डिसिप्लिन पे. वैसे हमारा डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट रहता है तो वैसी फ्रीडम रहती है, लेकिन फिर भी कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसिप्लिन जो है बच्चे को अपना बिहेवियर जो है मेंटेन रखना चाहिए. सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है कि यही ट्रू डिसिप्लिन होता है, और आप डिसिप्लिन इन्फोर्स करा सकते हो थ्रू दी सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन. ठीक है, जैसे कि ग्रुप के अंदर बच्चे जो है, अगर कोई शरारती बच्चा है तो उसको अपने ग्रुप में नहीं लेते हैं बाकी बच्चे. ठीक है, तो इस तरह से बच्चा जो है फिर डिसिप्लिन में रहना शुरू कर देता है. तो आप जो है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के थ्रू जो है बच्चे के अंदर डिसिप्लिन जो है वो पैदा कर सकते हो. Now we have school जो है should provide the learning opportunity to the student, ताकि बच्चे जो है एक दूसरे से social interact कर सके, engage रह सके एक दूसरे के साथ. So school जो एक लाइक अ मैनेजर सोसाइटी. ठीक है, जैसे एक सोसाइटी होती है उसमें जो है सब कुछ होता है. ठीक है, इस तरह से ये भी एक सोसाइटी की तरह होता है, स्कूल भी एक छोटी सोसाइटी की तरह होता है. इंक्लूड करता है सोशल गोल्स को भी एज वेल एज इंडिविजुअल गोल्स को भी. अगर आप एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखना चाहते हैं इसकी, तो हम इसमें वही सब चीज़ें लिखेंगे कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से हमको पढ़ाना चाहिए. ठीक है, वो टीचर ऐड कर सकती है, टीचर को बच्चे को डिसिप्लिन जो है वो उसके अंदर कैसे रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस इन्फोर्स कर सकती है, कैसे करिकुलम जो है वो फोर यूटिलिटी प्रिंसिपल्स पर आधारित कर सकती है. तो यही सब जो है एजुकेशन इम्प्लीकेशन होंगी, मतलब एम से करिकुलम से आप उठाकर जो है वो लिख सकते हैं. अब नाउ हमारे पास है कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं. तो लिमिटेशन में एक वेरी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली आपको रिसोर्सेज चाहिए बच्चे को एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, इसलिए एक्सपेंसिव हो जाता है. और फिर टीचर भी टैलेंटेड चाहिए जो कि इस सारे परफॉर्म करवा सके सभी बच्चों से. फिर इस प्रोसेस के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बहुत स्लो मिलता है, और इसमें जो आपकी पर्पस ऑफ लाइफ को तो बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इस मेथड में, लेकिन जो वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, उसको बहुत लेस इंपॉर्टेंस दी है कि वो कैसे हम बच्चे के अंदर लेके आ सकते हैं. तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग दिस चैनल. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी.